राजधानी रायपुर में विजयदशमी के पावन पर्व पर पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष व प्रतिष्ठा ग्रुप संरक्षक अनिल पुस्तकर ने के नेतृत्व में रायपुर प्रेस क्लब सदस्यों ने पुरानी सरकार के विज्ञापन नीति रावण का दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। विज्ञापन के दबाव में दम तोड़ती पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, साथ ही विज्ञापन लाओ नौकरी बचाओ के इस कठिन दौर में लेखनी काम को विज्ञापन रूपी रावण से मुक्त कराने के लिए यह रावण दहन हुआ। आपको बता दें कि रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पुरानी सरकार की विज्ञापन नीति के विरोध में रावण दहन एक प्रतीकात्मक कदम है। यह दिखाता है कि कैसे विज्ञापन के दबाव में पत्रकारिता अपनी स्वतंत्रता खो रही है और इसे बचाने के लिए एकजुटता जरूरी है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल पुसदकर ने कहा कि मीडिया जगत के कुछ दलाल किस्म के लोग इस कार्यक्रम को फेल कर विज्ञापन रूपी रावण को बचाने के लिए सक्रिय जरूर हुए हैं, लेकिन अधर्म पर धर्म की जीत का यह पर्व प्रेस क्लब में रावण दहन से यह विज्ञापन पर लेखनी की जीत का पर्व बनकर रहा। हमारा विरोध यह है कि जो पिछली सरकार में 5 साल में जो है विज्ञापन टोटल उसके लिए कोई नीति बनी नहीं जी। और आज भी जो है जो पिछली सरकार के जो दलाल थे वो आज भी वही उन्हीं को पैसा मिल रहा है जी। तो आप विज्ञापन के नाम पे पत्रकारों को कब तक दबाओ, विज्ञापन के नाम पे कब तक आप तलब को रोकोगे? हमारा ये कहना है, हमने ये माना है कि जो विज्ञापन नीति है गलत विज्ञापन नीति है, जिसका अन्याय है, पक्षपात है। तो जब आप हर जगह, रावण तो है नहीं, रावण तो युगों पहले दहन हो चुका है। जब रावण युगों पहले दहन हो चुका है पूरे देश में, हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह रावण का जहाँ दहन होता है, तो उसको अच्छाई का, अच्छाई की जीत के लिए उसको जलाया जाता है, बुराई का वो प्रतीक माना जाता है। तो बुराई, अन्याय और पक्षपात के रूप में हमको लगा विज्ञापन जो है वो रावण का प्रतीक है, तो हमने उसको स्वरूप में चलाना चाहा। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति लग गई, उनको लग रहा था कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर अगर ऐसा होता सरकार हमारा विरोध कर, ये सरकारी सत्ता उड़दल विरोध कर, हमारा ना सत्ता से विरोध है ना सरकार से विरोध है, हमारा जो है गलत नीति है उससे विरोध है। जो पत्रकार जो है विज्ञापन से वंचित हो रहा है, जिसकी नौकरी जा रही है, जिसको तकलीफ हो रही है, हम उसके साथ खड़े और हम इस मामले में सरकार से बात भी करेंगे।